हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त संवाद कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत पर संवाद सीधे आपको लिए चल रहे हैं। कि जब भी कोई विशेष परिणाम लाने के लिए विशेष काम किसी विशेष उद्देश्य से और विशेष तकनीक से किया जाए उसी को क्रांति कहते हैं। अपने देश में दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई हैं, जैसा हमने सुना होगा कि हरित क्रांति हुई अन्न को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही हमने सुना है कि श्वेत क्रांति हुई दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक गोल क्रांति हुई आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पीली क्रांति हुई तिलहन और दालों को बढ़ाने के लिए, नीली क्रांति हुई मछली पालन के लिए, भूरी क्रांति हुई खाद और चमड़ा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, बादामी क्रांति भी हुई इसी प्रकार से, ऐसे ही लाल क्रांति टमाटर को बढ़ाने के लिए हुई। और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं, और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है, उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं, तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं, हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है, और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं, अपने कुएं अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते हैं। हमारा एक समय था परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे, तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि इस वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग ये अंधाधुंध पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है, उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए, और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है, समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं, तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल जंगल और जमीन ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है, और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है, इस पर हमने एक नया विचार जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ये ध्यान आपको मैं कराऊंगा कि पानी जमीन के अंदर से हम दोहन करते हैं तो जमीन धीरे धीरे पानी उसका खत्म होता जा रहा है और इससे जमीन बंजर होती जा रही है। पानी जमीन के लिए उसी प्रकार का एक मैं कहूंगा कि एक पानी की मात्रा जैसे शरीर में खून होता है, अगर हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट बलशाली शरीर उसमें से खून की कमी हो जाए तो शरीर क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसा ही अगर हम जमीन में सोचते हैं तो जमीन का जब पानी हम एक सीमा से अधिक निकालते हैं तो जमीन भी धीरे धीरे गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, एक प्रकार से मरुस्थल और रेतीला इलाका वो भी पानी के कमी के कारण से होता है। उसमें से ही ये सब विषय हमको ध्यान में आए कि हम पानी का किस प्रकार से उपयोग ठीक करें। और इसके लिए जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी
हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1,948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है ऐसे हमने प्रदेश में भी प्रदेश जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है गंदा हो जाता है उसको भी कैसे सफाई करें, कैसे हम एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 एसटीपी लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसिक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं और इसमें चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो बागवानी में काम आता है, खेती में सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी एक जिसको कहना चाहिए बड़े कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। और इस नाते से दूसरा जो ज्यादा चिंता का विषय है वो जमीन के अंदर का पानी, जमीन के अंदर के पानी को पूरा करने के लिए पहले हमारे तालाब थे वो भी उपयोगी होते थे, जमीन में पानी को रिचार्ज करके नीचे सतह पर पहुंचाते थे, जमीन पोरस भी होती थी, जमीन के अंदर जैसे केचुए उस समय खेती में काम करते थे वो जमीन को उसको जो है पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे केमिकल का जो खाद हमने उपयोग करना शुरू किया है तब से मिट्टी की परतें ऊपर की परतें और वो सख्त होती जा रही हैं और वो ठोस हो गई हैं, सख्त होने से जमीन में वर्षा का पानी भी जो है वो रिसता नहीं है, तो उस रिसाव के ना होने के कारण से नीचे पानी नहीं जा रहा है। हमने इसके लिए कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं जैसे रिचार्ज वेल, जैसे पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। इसी प्रकार नई झीलें और जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है, लगभग 8,000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। मित्रों, पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है, जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3,000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है, लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता, निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी, हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस कारण इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं, आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे
तो हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं, आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए 1,74,464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं है, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7,000 रुपए के हैं, 7,000 रुपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको जो आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया, लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं, कर्म करना ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ जो काम है वही है। हम कर्म करते जाएं, फल तो जिसको लेना होगा हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक फलदायी कार्य है, इसको हमको अपने आप को भी करना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कराना है। और हमने तो यहां तक कहा कि अगर, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि 3-4 साल 5 साल के चक्र में 1 साल फसल न बोई जाए तो फसल की उपजाऊ जो शक्ति है वो बढ़ती है। आप अगर विविधीकरण से दूसरी फसल न भी बोएं लेकिन धान की जगह की फसल को आप खाली भी रखते हैं तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और उसके बदले में भी हम 7,000 रुपया ये आपको देने वाले हैं। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है, डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपया प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। तो उस पर भी बहुत से जो हमारे बंधु हैं वो आ गए हैं। और अब हम चाहते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहाँ पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहाँ खड़ा रहता है, तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहाँ रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण, जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था, अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर, इसकी हमने व्यवस्था की है, लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं, अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहां पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहां 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। हम जरूर इसकी चिंता करें और चिंता करते हुए इस संकट में हम कहीं किसी प्रकार से फंस ना जाएं। तो इस नाते से आज मैंने जो बातचीत की है केवल उन बंधुओं से की है कि जिन्होंने इस मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लिया है और भाग लेते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा किया है।
आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि अपने इस काम को हम स्वयं भी करें और अपने जो पड़ोसी और किसान बंधु हैं उनको भी कहें कि पानी ये बहुत जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये संवाद, आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार पानी के बचाव के लिए, जल संरक्षण के लिए काम कर रही है। भूमि का गिरता जल स्तर चुनौती बना हुआ है और लगातार उसे सही करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजना प्रदेश में चल रही है, जिसे लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। फसलों का विविधीकरण किया जाए, कम पानी वाली फसलों को ज़्यादा लगाया जाए, किसानों को ये कहा गया और किसानों ने भी इस बात को अमल में लिया है।